चाहे स्टूडेंट्स हो या फिर उनके पेरेंट्स, सभी ने कोरोना के इस खतरे को देखते हुए मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। लेकिन सबकी जहन में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जब परीक्षा नहीं होगी तब ऐसे में रिजल्ट कैसे बनेगा। इस रिपोर्ट में हम आपकी इसी टेंशन को दूर करने वाले हैं और बताने जा रहे हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या प्लान तैयार किया है। मेरे हिसाब से एग्जाम कैंसिल हो गई ये बहुत अच्छी बात है। ठीक भी हुआ है, गलत भी हुआ है। एक्चुअली हमारा मतलब इतना सारा प्रिपरेशन किया वो भी वेस्ट गया है। मैं इस फैसले को सही मानती हूँ क्योंकि सारे बच्चे अभी तक वैक्सीनेट नहीं हुए थे और एग्जाम्स होते तो फिर इन्फेक्शन ज्यादा होता। पीएम मोदी ने कहा कि एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स में बहुत चिंता है। इतने तनाव भरे माहौल में बच्चों को एग्जाम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सभी स्टेक होल्डर्स को स्टूडेंट्स के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। अब CBSE की 12वीं की परीक्षा रद्द तो हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तो रिजल्ट कैसे बनेगा। इसका जवाब है 11वीं और 12वीं के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी पूरी जानकारी दी, साथ ही ये भी बताया कि स्टूडेंट्स को पिछली बार की तरह परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे वो बाद में एग्जाम देने का विकल्प चुन सकते हैं। कोई जोखिम ना उठाते हुए 12वीं की परीक्षा को रद्द किया है। इंटरनल असेसमेंट के आधार पे 11वीं और 12वीं दो जो पिछले दिनों में इंटरनल एग्जामिनेशन हुए हैं उसकी असेसमेंट के आधार पे उनकी नतीजा आएगी। हायर एजुकेशन में उनको दाखिला देने के लिए पिछले साल जैसे सुविधा भी रहेगी और आगे चल के जब परिस्थिति नॉर्मल होगा कोई विद्यार्थी चाहे तो वो भी परीक्षा दे सकता है। परीक्षा से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देंगे आपको आपकी परीक्षा की सबसे पहले और सटीक जानकारी।